डियर लर्नर्स, इस चैनल पर आपका आज पुनः स्वागत है। और आज हम वास्तुकाओं में जो अवलंबन है उसका प्रायोगिक मान किस प्रकार से निकलते हैं, निकालते हैं, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो उसको लेकर के हम आए। देखिए, ये ओस्टवाल्ड वाकर की गतिशील विधि कही जाती है, ये ओस्टवाल्ड वाकर की गतिशील विधि है। इसमें क्या है कि एक हम ये बड़ी द्रोणिका ले लेते हैं। द्रोणिका माने एक नाग है, तो इस द्रोणिका को ले लेते हैं। इसमें ये हमारे चार बाल हैं, 1 2 3 4। मैंने यह चार लिए हैं, आप तीन तीन का दो सेट ले सकते हैं, दो दो बालों का दो सेट ले सकते हैं, चार चार बालों के दो सेट ले सकते हैं, इसमें कोई हार्ड फास्ट नहीं है। ये हमारी यू आकार की नली है, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं। तो इसमें कोई जरूर नहीं है कि दो दो बाल भी हो, तीन तीन बाल हो सकते हैं, चार चार बाल हो सकते हैं। तो ये दो सेट है। देखिए, पहला सेट है हमारा दो बालों का जिनमें विलयन भरा हुआ है। दूसरा सेट बी है, इसमें हमारा शुद्ध विलायक भरा हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे सेट है दो बाल, तीन बाल, चार बाल के दो सेट। ये हमारी ऐसी द्रोणिका है कि जिसमें इन बाल्बों को सेट किया गया है और इनके आसपास थर्मोस्टेट लगाया गया है ताकि इनका तापक्रम बदले नहीं। ठीक है, इसीलिए यह मैंने लिख दिया है कि एक निश्चित ताप रहे प्रयोग के दौरान, तो इसलिए थर्मोस्टेट में इसको, इन बाल्बों को रखा गया है। और सभी बाल्बों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस बाल को फिर हम इन युवाकार की नलियों से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, इन युवाकार की नलियों में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ होता है। इधर से हम शुद्ध और शुष्क वायु, शुद्ध व शुष्क, ये वायु इसमें प्रवेश करते हैं। यहां से ये वायु पहले इस विलयन में जाएगी, इस विलयन के बाद फिर इस विलायक में जाएगी, विलायक के बाद फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड में जाएगी और फिर बाहर जाएगी। अब देखिए, इसमें होगा क्या ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। शुष्क वायु जब जाएगी तो यहां से कुछ जो विलयन में है इसका जो वाष्प है उस वाष्प को साथ लेकर के जाएगी विलयन के पास। इस तरीके से विलयन के भार में कुछ कमी आएगी। हमने ये बल जो लिए हुए हैं इनमें बल विलयन भर करके तोले हुए हैं। ठीक है, तो यहां इनके भार में कुछ कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ विलयन की जो वाष्प है वो वायु के साथ संतृप्त होकर होगा क्या, वायु विलयन की वाष्प से संतृप्त हो। ठीक है, इसमें फिर यहां से जब ये वायु इन वाल्वों में पहुंचेगी, बी वाल्वों में, तो वहां शुद्ध विलायक की वाष्प से जितनी गुंजाइश होगी उतना संतृप्त होगी और तब इस युवाकार की नली में जाएगी। इस युवाकार की नली में जो वहां से ये वाष्प विलयन विलायक से आई हुई है उनको ये कैल्शियम क्लोराइड सोख लेगा। इस तरह से
यहां जो बाष्प आई है उनका वेट इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये भी तोले हुए हैं दोनों नली, तो ये बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, पहले बाल्बों में क्या हुआ ये आप थोड़ा सा समझिए। पहले बाल्बों में विलयन विलयन भरा हुआ है और ये जो इसका वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, पहले बाल्बों में विलयन भरा हुआ है तो विलयन का वाष्प दाब मान लीजिए हमारा पी है, पहले बाल्ब एक ही पहले बाल्ब ए सेट के लिए, ठीक है ये हमारा नंबर। तो पी जो वाष्प दाब है विलयन का, ये विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है इस प्रपोर्शन किसके हो जाएगा ये वायु द्वारा ग्रहण वाष्प, ठीक है बात समझ में आ गई हो। दूसरे में क्या है कि दूसरे में अब यहां से ये पी है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है, विलायक के वाष्प दाब, ठीक है तो ये बात आपकी समझ में आती है। तो निश्चित तौर पे यहां वाष्प दाब ज्यादा होगा इन शुद्ध विलायकों में, तो शेष जो वायु संतृप्त होगी वो किससे होगी, शुद्ध विलायक की वाष्प से होगी। तो अब मान लीजिए यहां तो पी वाष्प ली और इसका है वाष्प दाब पी जीरो, तो पहले पी वाष्प से संतृप्त हुआ, फिर पी जीरो वाष्प से संतृप्त नहीं, पहले पी वाष्प से इस बाल्ब में संतृप्त हुआ विलयन में, तो विलायक में कितना होगा इसमें से P घटा देंगे तो जो शेष बचेगी, क्योंकि पी जीरो इसका वाष्प दाब है जो कि ज्यादा है, तो ये जो बचेगा ये हमारा किसका हो जाएगा, ये शुद्ध विलायक से जो ली हुई वाष्प है वो वायु द्वारा ग्रहण की हुई है वो निकल आएगी। तो अब देखिए दूसरे बाल्ब में क्या हुआ, दूसरे बाल्ब पी सेट के लिए, ठीक है ये हो गया हमारा पी जीरो माइनस पी। ये आप रखिएगा इन बाल्बों में वाष्प दाब बराबर कितना है, पी है, इन दोनों बाल्बों में वाष्प दाब पी जीरो है, ठीक है तो यहां पर पी जीरो माइनस पी जो वायु ने ग्रहण किया है इज प्रपोर्शनल टू वायु द्वारा ग्रहण वाष्प के, ठीक है। अब ये सब बाइक निकलते हुए यहां यूट्यूब में गई और इन यूट्यूब में इस वाष्प को एब्जॉर्ब कर लिया गया, इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड के द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। अब देखिए इनके द्रव्यमानों को, इनके द्रव्यमानों को तोल करके हम इनके इनके जो द्रव्यमानों में कमी आई है
वो हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड के द्रव्यमान में जो वृद्धि हुई है वो हम निकाल सकते हैं। और ये जो वृद्धि है वो इन दोनों के द्रव्यमानों में कमी के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है CaCl2 जो निर्जल है। ठीक है, CaCl2 या CaCl2 ही रहेगी। CaCl2 युक्त नलियों के द्रव्यमान में वृद्धि, और ये मान लीजिए हमारी एम है, ये वृद्धि एम है, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी यू को, द्रव्यमान वृद्धि एम है। ठीक है, अब ये किसके प्रोपोर्शनल होगी या बराबर होगी? पी जीरो, माने कुल वाष्प दाब तो पी जीरो ही होगा इसका विलायक का, और इसमें आई है कमी, तो तब ये निर्णय का लाभ बना है पी, तो इसलिए ये जो वृद्धि एम है ये पी जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी यहां तक। अब देखिए, हम आपेक्षिक अवलंबन लेंगे, आपेक्षिक अवलंबन ये क्या हुआ? हमारा आपेक्षिक अवलंबन P0-P/P0, ये हमारा आपेक्षिक अवलंबन हुआ। और ये आपेक्षिक अवलंबन किसके बराबर हो जाएगा, यह मैं मिटा देता हूं, ये आपेक्षिक अवलंबन हो जाएगा = विलयन एवं विलायकों की में, यहां देखो विलायक वाल्वों की द्रव्यमान में कमी, ठीक है, बटे कैल्शियम क्लोराइड के द्रव्यमान में वृद्धि। ठीक है, इसके बराबर हो जाए, या हम इसको लिख सकते हैं या P0-P/P0 = विलायक वाल्वों के द्रव्यमान में कमी, विलायक वाल्वों के द्रव्यमान में कमी बटे ये विलायक है, तो विलायक वाल्वों के जो द्रव्यमान में कमी है वो हम इसको तोड़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बटे विलयन विलयन
बालकों की द्रव्यमान में कभी, बालकों के द्रव्यमान में कमी प्लस, क्योंकि ये तो दोनों ही बालकों के द्रव्यमान में कमी जो हुई है उसी की वृद्धि को तो दिखाया गया इसे इंक्लूड है, इसलिए दोनों को लिख देते हैं तथा विलायक बालकों के द्रव्यमान में कमी प्लस विलायक बालकों के द्रव्यमान में कम। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र हो गया कि जो आपेक्षिक अवलंबन है उसको हम यहां से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही चीज यहां से मालूम पड़ जाएंगे हमको, विलायक बालकों के द्रव्यमान में कमी इनको तोड़ करके मालूम पड़ जाएगी, इन दोनों के द्रव्यमान में जो कमी है वो इसको तोड़ करके मिल जाएगी, और अलग अलग आप लिखना चाहते हैं तो इसके द्रव्यमान में कमी और इसके द्रव्यमान में कमी, टोटल कमी हम इन दोनों बालकों को तोड़ करके यहां लिख लेते हैं, और इस तरह से हमारा जो आपेक्षिक अवलंबन है वो यहां से कैलकुलेट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। और यदि आप इसे और शॉर्ट में लिखना चाहें तो यहां डब्लू वगैरह लिख करके कर लीजिएगा कि मान लीजिए इसके द्रव्यमान में इतनी कमी आई, इसके द्रव्यमान में कमी इतनी आई, उन दोनों को आप यहाँ लिख करके कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका, तो इस तरह से ये हमारा प्रायोगिक मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक और अनुसंख्य गुणधर्म, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।